बिजनौर के मोहल्ला काजीपाड़ा में उस वक्त भारी भीड़ जमा हो गई जब कल देर शाम रेप के एक आरोपी लड़के के घर पर पुलिस पहुंच गई और ढोल बजवाकर मुनादी करवा दी। दरअसल यहां के रहने वाले एक लड़के ने एक लड़की से शादी का वादा करके रेप किया और फिर घर से फरार हो गया, जो लगभग डेढ़ महीने से फरार चल रहा था, जिसके चलते पुलिस उसके घर जा पहुंची। मोहल्ला काजीपाड़ा में ईदगाह रोड पर रहने वाले फसी रहमान ने घर के पास में ही रहने वाली एक लड़की से शादी का वादा करके उसके साथ रेप किया। शादी की बात करने पर उसने शादी से साफ इनकार कर दिया और दबाव ज़्यादा पड़ने पर घर से फरार हो गया। 14 सितंबर को लड़की ने कोतवाली शहर में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। तभी से पुलिस लड़के की तलाश कर रही थी, लेकिन वो पुलिस के हाथ नहीं लग रहा था। मामला कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने वसी रहमान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। उसके बाद भी वसी कोर्ट में पेश नहीं हुआ। मामले को देखते हुए कोर्ट ने वसी के खिलाफ धारा 82 के तहत कार्रवाई का आदेश दे दिया। कल भारी पुलिस फोर्स बुलडोजर लेकर आरोपी के घर जा पहुंची और मकान पर कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया गया और पूरे मोहल्ले में ढोल के साथ मुनादी करवा दी गई। कहा जाता है कि अभियुक्त वसी रहमान स्वरूप इश्तेखार मोहल्ला काजीपाड़ा जेल के पीछे कोतवाली नगर बिजनौर मुकदमा अपराध संख्या 943/2023 धारा 376 506 IPC थाना कोतवाली शहर बिजनौर से वांछित चल रहा है। लगातार डेढ़ माह से वांछित है। NVW पहले इसके चस्पा किए गए थे, लेकिन उसके बाद भी अभियुक्त लगातार फरार है, हाजिर नहीं हुआ है। आज 82 माननीय न्यायालय के आदेश से 82 CRPC की कार्रवाई के लिए मैं SI मीर हसन थाने से फोर्स लेकर इसके मकान पर आया हूँ। ये लगातार फरार है, अभियुक्त संगीन अपराध में फरार है, इसलिए इसके घर पर ताला लगा है। 376/506 धारा है, जिसमें इसके घर पर 82 CRPC की कार्रवाई की चस्पा की गई है। ठीक है।